आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी दौर है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, कई दावे वादे कर रहे हैं और जनता को अपनी रणनीति से अवगत करा रहे हैं। वही चित्रकूट की सबसे अहम विधानसभा सीटों में से एक मऊ मानिकपुर से भाजपा और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए हैं और लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील भी कर रहे हैं। इस बीच प्राइम टीवी की टीम के साथ उन्होंने खास बातचीत की है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता से। आज हम चित्रकूट में हैं और चित्रकूट में हम चुनावी समीकरण, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां पर जो चुनावी माहौल है वो कैसा है। इस वक्त चित्रकूट की जो मानिकपुर मऊ विधानसभा सीट है, यहां से बीजेपी और अपना दल इसके जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं अविनाश चंद द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम सुबह से इनके साथ लगे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जब जनता के बीच जा रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो किन किन बातों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सुबेरे से आप निकले हुए हैं, कहाँ कहाँ गए, किनसे किनसे मुलाकात की और अब आगे जो काफिला आपका निकला हुआ है वो कहाँ जा रहा है? सर, मैं भौंरी से आ रहा हूँ और भौंरी से आया सीधे लालता रोड, लालता रोड में सबसे मिल करके आज मेरा राजापुर तक का प्रोग्राम लगा हुआ है, गांव-गांव में जाने का। तो गांव-गांव में जा रहे हैं क्योंकि गांवों की समस्याएं हैं, क्योंकि यहां के जो वोटर भी हैं वो भी मेन ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, गांवों से जुड़े हुए हैं, किसान हैं। और जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है, किसान परेशान है, किसान नाराज है, जब आप गांवों में पहुंच रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि कई जगहों पर आपने जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की, तो क्या ऐसा हुआ कहीं पे कोई नाराजगी देखने को मिली जिस तरह से विपक्ष लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं जिस भी गाँव में जाइए सब भाजपा के लोग हैं और मैं बहुत तगड़े वोट से मैंने मेरा इलेक्शन जो है निकल रहा है, किसानों के यहाँ कोई विरोध नहीं आपको दिखाई दे रहा। अच्छा, एक सवाल ये है क्योंकि मैंने देखा है अक्सर, मैं तो कई जिलों होकर आया, कई प्रत्याशियों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है, मैंने ये देखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से या फिर जब प्रत्याशी फाइनल हो जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से तो उसे प्रदेश की पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, लेकिन आप अपनी गाड़ी में अकेले चल रहे हुए मुझे समझ नहीं आया। हालांकि जो काफिला है, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं वो आपके साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस गाड़ी में आप अकेले बने हुए हैं, ये एक सवाल है। क्या आप सिक्योरिटी आपने ली नहीं, क्या मामला है? क्योंकि जिस तरह से इस क्षेत्र के बारे में बताया जाता है कि ये मिनी चंबल है, जो अपराध की बात करी जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए, तो विपक्ष लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी गड़बड़ हुआ है बीते 5 सालों में, उसके बावजूद आप एक प्रत्याशी के रूप में आपने सिक्योरिटी नहीं लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सिक्योरिटी नहीं लिया, क्यों, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जिस तरह से जनता मेरे साथ है, तला ज्यादा सिक्योरिटी, जनता सिक्योरिटी है। अच्छा, जैसा इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि मिनी चंबल है, तभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इतनी पब्लिक चल रही, देख रहे हो आप, ये सब लोग जो है 9 बजे रात तक मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, अभी आप आओ गाँव में चलेंगे आप, जहाँ जो मिलेगा वही उसी तरह लगाते चला जाता है वो। मैं साहब यहाँ बहुत 2 मिनट ही बंद करो तो बता दी, इतना व्यवहार था मेरा यहाँ, मेरे चाचा यहाँ के सांसद थे, नारायणी से वो विधायक थे, अभी ये मैं मऊ में रहता हूँ, अब पूरा चित्रकूट जिला में मैं हर आदमी से हाथ जोड़ के ही सब दिन मिला। और मैंने किसी कभी लड़ाई के चक्कर में कभी गया ही नहीं, जिसकी मदद हो सकी उसकी मदद किया और भाई जितनी मेरी औकात थी उतनी मदद किया, जो नहीं थी तब मैं क्या करूँ। हाँ, इसी सिक्योरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं, मदद की किससे मैंने सुने हैं अगर कि मैं जीत भी गया तो भी मुझको सिक्योरिटी की कोई जरूरत, मतलब ये परिवार ही आपकी सिक्योरिटी? हाँ, सभी परिवार सिक्योरिटी है, ये सब जनता साहब सब कुछ है। हाँ, जनता से बड़ा को है बताओ आप, कितने आदमी के सिक्योरिटी ले रहे हैं लेकिन लोग नहीं रह गए, इसलिए मुझे सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है तो जो आपने बताई है, मदद की बात भी मैंने कई लोगों से सुनी है आपके बारे में कि कोरोना काल था जब बड़े बड़े नेता अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उस दौरान आपने बढ़ चढ़कर मदद की थी, उसके अलावा आपने कई बालिकाओं के विवाह में भी सहयोग किया है, लगातार आप जनता के बीच जाते रहे हैं, वो प्यार, वो जो लगाव है वो जनता से कब से रहा है आपका और कब ये दिमाग में आया कि मुझे इन लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी है? सर, ये 200 साल से है, ये 98-99 से है। ये मैं असल में गरीब आदमी को देख नहीं पाता हूँ किसके पास कपड़ा नहीं,
गरीब में देखा तो लगता है कि मैं इसकी कौन मदद करूंगी, इसकी भगवान इसके खिलाफ है और मैं भी अगर इसको नहीं देखूंगा तो क्या होगा। हाँ, इसलिए मैं गरीब को माने गरीब में भी दिखाई दिया तो लगा था कि भगवान का कह रहे हुए जैसा। हाँ, तो हम गलत काम ये कर डालिस किए के साथ ऐसा कह दो। कुछ लोग गाड़ी पर कुछ मोटर पर या बेचारे का भोजन नहीं आया। इसलिए मैं गरीब नहीं देख पाता हूँ, तो जो भगवान मुझको कुछ सामर्थ्य दिया है मैं भी उसको दाल और चावल कपड़ा अगर रजाई नहीं है तो कंबल मैं पूरा देने का उसको प्रयास करता हूँ। और मैं गरीब को देख ही नहीं पाता हूँ कि मैंने ये बहुत दुखी क्यों है बस। तो अब आगे का क्या रास्ता है, कहाँ की तरफ आप जाएंगे, किनसे मुलाकात होनी है? अब साहब आगे एक गांव है, एक बस इसी में जाऊंगा, इसे यहाँ से राजापुर तक प्रोग्राम लगा हुआ है। राजापुर तक जी, जनता से मिलना है, वहाँ पर भी उनकी समस्याएं सुननी है। हाँ, पूरा भरोसा है आपको, लग रहा है कि जनता इस बार आपको चुनती है तो आप सारी समस्याओं का हल कर देंगे? अब सब समस्या मैं अपने हिसाब से हल करूंगा, पूरी समस्या तो इतने दिन से देश आजाद में कुछ नहीं कह पावा। नहीं, जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि सड़क हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, इनमें साहब पूरा ध्यान दूंगा मैं। हाँ, अब आप इलेक्शन के बाद फिर आइएगा और फिर इसी पब्लिक से पूछिएगा कि मुझको क्या कहते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो अविनाश चंद द्विवेदी जी लगातार आज जनता के बीच जा रहे हैं, सुबह से ही कई गांवों के उन्होंने भ्रमण किए, लोगों से मुलाकात की है और लगातार उनकी तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि जब मैं जीत कर वापस आऊंगा तब एक बार फिर से आप आइएगा और उसके बाद यहां पे लोगों से पूछिएगा कि मैंने कितना काम किया, क्या नहीं किया जीतने के बाद। और जीतने के बाद की बात तो दूर है, क्योंकि पहले की अगर हम बात करी जाए, अभी जिस तरह से इन्हें जनसमर्थन मिल रहा है, अभी जिस तरह से ये लोगों के बीच जा रहे हैं और जब हमारी लोगों से बात हुई है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि द्विवेदी साहब आज से नहीं, 200 सालों से उनके बीच रहे हैं, उनकी सहायता करते आए हैं, उनकी मदद करते आए हैं और पूरी कोशिश उन्होंने की है कि कोई भी समस्या में ना रहे और इसी वजह से वो इन्हें अपने नेता के रूप में चुनना चाहती है, इस विधानसभा के विधायक के रूप में चुनना चाहती है। फिलहाल ये जो सफर हमारा है इसी तरह से चलता रहेगा, हम आगे भी देखेंगे कि अब अगला पड़ाव क्या होगा और वहां पर किस तरह से जनसमर्थन अविनाश चंद द्विवेदी जी को मिलता है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। तो सभी प्रत्याशी अपने दलों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, जनता से संपर्क साधना बहुत जरूरी, दावे वादे भी जरूरी है वरना सरकार कैसे बनेगी। तो इसी कोशिश में सभी प्रत्याशी लगे और हमारी प्राइम टीवी की टीम भी जमीनी स्तर पर जाकर प्रत्याशियों से बात कर रही हो, उनकी रणनीति के बारे में जान रही हो, क्या दावे वादे किए जा रहे हैं, जनता का रुझान क्या है, तमाम चीजें जानने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।